राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आर के रवि दो दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बस्तर रेंज के आईजी, नक्सल ऑपरेशन डीआईजी, सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। 3 घंटे तक चली इस बैठक में नक्सल मुद्दों के साथ ही अंदरूनी क्षेत्रों में किए जा रहे तमाम विकास कार्यों की चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। बैठक के बाद देर शाम पत्रकारों से मिले नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बैठक में कई बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 2 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। आज बैठक के बाद कल जिले के विभिन्न जिलों का, आपको बता दें, प्रदेश के विभिन्न जिलों का वो दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विगत वर्षों में बरसाती समय में भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन संचालित की गई थी, उसके काफी अच्छा परिणाम को भी देखने मिला है। खासतौर पर सीमावर्ती इलाका में और जो अंदरूनी इलाका में हमारा जो स्टेट आर्म फोर्सेस का एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा, इनके साथ साथ अन्य प्रदेश के जो स्पेशल टीम्स है, ग्रेहोम्स, 360, इनके साथ एक अच्छी तरीके से तालमेल के साथ नक्सलवादी अभियान संचालित हुआ, उसकी काफी रिजल्ट भी हमको देखने